सो गाइस एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो होने वाली है 2022 KTM RC 200 और KTM RC 125 के बारे में। बहुत सारे कंफ्यूज है, लोग RC 200 लें या पुरानी वाली RC 125 लें, बिकॉज डिज़ाइन जो है लोगों को पुराना वाला पसंद है, बट इस समय जो RC 200 न्यू डिज़ाइन के साथ आती है एंड पुराना वाला डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है। तो आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूँ। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 90। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सो गाइस यहाँ जो डिज़ाइन है प्रॉपर न्यू आता है, जो हेडलाइट क्लस्टर आता है वो कंप्लीट एलईडी आता है। मैं आपको यहाँ पर ऑन करके दिखाता हूँ प्रॉपर बाइक, जो डीआरएल से वो यहाँ पर एलईडी आपको देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हेडलाइट क्लस्टर दिखाता हूँ, कंप्लीट एलईडी है, मतलब कमाल की चीज़ कर दी है इस बार केटीएम ने। जो इंडिकेटर्स आते हैं वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले अपने रियर व्यू मिरर में आते थे, अब फेयरिंग के अंदर ही आते हैं। ये बढ़िया चीज़ कर दी है। RC 200 आप देख सकते हैं यहाँ पर आती है, इंजन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है स्पेसिफिक बाइक के अंदर, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रॉपर न्यू है। आप देख सकते हैं एडवेंचर 250 जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाता है यहाँ पर एंड लिटरली आई एम रियली हैप्पी विद दिस स्पेसिफिक बाइक। जो हैंडल बार्स हैं वो अब रेज कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से ऊँचे देखने को मिलेंगे, तो जो सिटिंग पोजिशन है वो और कम्फर्टेबल हो चुकी है। यहाँ पर फ्रंट व्हील है वो सेम है, बट जो डिज़ाइन है वो चेंज है, मतलब साइज सेम है बट डिज़ाइन यहाँ पर स्टारफिश देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में। 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है, 20 mm बड़ा कर दिया है इस बाइक के अंदर। अब आने लग गया है डुअल चैनल ABS विद सुपर मोटो, मतलब जो रियर व्हील का जो आप ब्रेक देख सकते हैं उसका आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चेंज है, जो फ्यूल टैंक है वो है 13.7 लीटर्स का कर दिया है और अब मेटल का कर दिया है। ये कमाल की चीज़ कर दिया है, आई एम रियली हैप्पी विद दिस स्पेसिफिक थिंग। 13.7 लीटर्स का आता है। ओवरऑल जो ड्राई वेट है बाइक का वो 3.3 केजीज कम हुआ है, ड्राई वेट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो फ्रेम है वो अब स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आता है, न्यू डिज़ाइन के साथ आता है। सीट्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन। द कुशनिंग इज रियली नाइस एंड सबसे अंदर बात ये है कि जो पिलियन की सीट है ना, इस बार कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल दोनों कर दी गई है KTM की तरफ से। ये मुझे पर्सनली काफ़ी सही चीज़ लगी। रियर डिस्क ब्रेक 230 mm स्टारफिश डिज़ाइन अलॉय व्हील्स, अमेजिंग लुक्स। एंड रियर में बात करूँ यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार की आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी। जो ग्रैब बार्स हैं, ग्रैब रेल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अब आपको प्रीमियम देखने को मिलेंगे। और जो उसकी फिट है ना, फिट फिनिश है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर कर दी गई है। ओवरऑल जो बाइक है मेरे हिसाब से काफ़ी सही है एंड द एग्जॉस्ट नोड ऑफ द बाइक इज़ ऑल्सो नाइस। सो दिस इज़ द RC 200। अब चलते हैं RC 125 के पास और मैं आपको दोनों बाइक्स का यहाँ पर जो है प्राइस भी बताऊँगा। तो यहाँ पर अब चलते हैं RC 125 के पास। सो वो खड़ी, उसके बारे में बात करेंगे। ब्लैक एंड वाइट काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, जो कलर है ब्लैक एंड वाइट के बारे में। ये RC 125 है, कुछ इस तरीके का इस बाइक का डिज़ाइन आता है। फ्रंट में हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिलती है। RC 125 का भी नया वर्जन आ चुका है, बट मैं आपको सिर्फ एक बार ओल्ड वर्जन के साथ कंपेयर करके दिखा देता हूँ। जो अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने वाले आते हैं, उसमें स्टारफिश आते थे एंड काफ़ी बढ़िया चेंज है। यहाँ पर एक पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अब जो है नया आ चुका है। ये आप देखो प्लास्टिक, अब क्या मिलता है आपको, मेटल। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की सीट पहले कितनी अनकंफर्टेबल थी, अब कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल कर दी गई है। मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया मूव लगा। रियर टेल लाइट जो है कुछ इस तरीके की आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो RC 125 है डेफिनेटली एक ज़्यादा, अब मैं कहूँ तो पावर जो है वो इतनी अच्छी नहीं आपको देखने को मिलेगी, एक ज़्यादा पावर वाले बंदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप पहले बाइक चला चुके हैं तो आपको मज़ा इतना नहीं आने वाला है फ्रैंकली टू बी। एंड RC 200 मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ दी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी KTM RC बाइक, बिकॉज उसका प्राइस बहुत सही है एंड उसके अंदर हमें सारे फीचर्स लगभग देखने को मिल जाते हैं। तो ये है RC 125। देखो अगर आपको यार सिंपल एक RC चाहिए, मतलब फेयर्ड बाइक चाहिए KTM की, और आपको पावर से इतना कुछ मतलब नहीं है, RC 125 आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बट आपको एक अच्छी बाइक चाहिए, आप थोड़ा लंबे समय तक रख पाएँ, एक थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक चाहिए, तो आप RC 200 डेफिनेटली लीजिए मेरे हिसाब से। RC 125 का ऑन रोड प्राइस आता है 2,05,000 रुपीज़ इस स्पेसिफिक वेरिएंट की बात करता हूँ। एंड जो RC 200 का ऑन रोड प्राइस आता है वो है 2,39,000 रुपीज़। मतलब RC 200 का जो नया वाला वेरिएंट है उसमें प्राइस में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये RC 125 एंड वो थी RC 200। मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पर जो ओवरऑल चेंज किया गया है KTM की तरफ से। आई रियली पर्सनली लाइक इट, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर चेंज किए गए हैं बाइक के अंदर। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, throttle_900 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ।
बाय, एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स आप ज़रूर बताइएगा। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय।